ओके तो भाई क्या सच में रोमर है जेउस को नेक्स्ट ट्रैवल चीफ बनाने वाले हैं समर स्लैम के अंदर? और जब ये सारा चीज चल रहा होगा तो क्या सोलो सिकोवा रोमर है जो जेउस के ऊपर अटैक कर सकते हैं? साथ ही साथ कौन सा रेसलर का रिटर्न कंफर्म हो चुका है इस मैच के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई ये वीडियो बड़ा नेक्स्ट लेवल का होने वाला, तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने आज का स्मैकडाउन देखा हो तो आज के स्मैकडाउन के ऊपर भी सोलो सिकोवा भड़क गए थे पॉल हेमन के ऊपर। भाई ये चीज हमें फर्स्ट टाइम नहीं देखने को मिला, मल्टीपल टाइम देखने को मिला। जब भी नेक्स्ट ट्रैवल चीफ का नाम आता है सोलो सिकोवा यहाँ पर पागल हो जाता है। मल्टीपल टाइम ये चीज देखने को मिला, सोलो सिकोवा खुद ही नेक्स्ट ट्रैवल चीफ बनना चाहते हैं, हमेशा वो मिर्ची वाला माला की तरफ ही देखते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं इसका चांसेस बहुत 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 ज्यादा है कि सोलो सिकोवा टर्न कर ले रोमन रेंज के ऊपर समर स्लैम के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज खुद से इमोशनल होकर जेउसो को नेक्स्ट ट्रैवल चीफ खुद से ही बना दे और उसी समय हमें सोलो सिकोवा की तरफ से अटैक देखने को मिले, क्योंकि भाई रोमन रेंज एक्चुअली एक इमोशनल कैरेक्टर है डब्ल्यू लीग के अंदर। हमेशा रोमन रेंज का ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया कि वो फैमिली को लेकर कुछ भी कर सकता है। भाई इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ सोलो सिकोवा की तरफ से अटैक देखने को मिल सकता है समर स्लैम के अंदर, इसका काफी हाई चांसेस है। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज फिर से कंफर्म कर देता हूँ, चाहे कितना भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो पर भाई जेउसो नहीं विन करने वाला। अगर जेउसो को डब्ल्यू वाले अगर चैंपियन बना देते तो भाई नेक्स्ट पेपरव्यू के अंदर उनको टिकट सेल करवाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू वालों को पता है कि ऑडियंस और स्टोरी लाइन बाद में सबसे पहले डब्ल्यू वालों के लिए बिजनेस है। बेस्ट फॉर बिजनेस करेंट टाइम में सिर्फ एक ही बंदा है डब्ल्यू लीग के अंदर, वो हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज। आप लोग इस बात को पूरी तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट कर लो, चाहे कोई भी स्टोरी लाइन हो चाहे किसी का भी रिटर्न हो जाए, इस मैच के अंदर ट्रैवल चीफ ही विन करने वाले। थर्ड चीज मैं आपको बता दूं, आपको मल्टीपल ऑफ रिटर्न पूरे देखने को मिल सकता है इस पूरे मैच के। सबसे पहले आज के दो तीन साल पहले जो समोन फैमिली के जो बड़े बड़े मेंबर जो आए थे वो फिर से आपको आते हुए दिखेंगे। आई थिंक अगर आप लोग सारे लोग जानते होंगे तो ये करंट टाइम में समोन फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है और ये दोनों डब्ल्यू लीग के अंदर बहुत पहले एक रेसलर भी थे, एज ए टैग टीम डब्ल्यू लीग के अंदर काम भी किए। तो ये हमें कंफर्म देखने को मिल सकता है समर स्लैम के अंदर, ये मिर्ची वाला माला आकर फिर से रोमर इसको पहनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रेसलर जिसका 100% रिटर्न देखने को मिले वो हमारे हैं जिमी उसो। अगर आपको याद होगा तो आज के तीन साल पहले रोमर इस पूरा लिटरली मार ही देते जे उसो को, उसी से हमें जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिला था। और भाई आपको पता है रोमर इसको जो भी रेसलर धोखा देता है रोमर इसको बिल्कुल छोड़ते हैं, तो शायद जे उसो के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करेंगे रोमर। और ये अटैक हमें तब देखने को मिलेगा जब रोमर रेंज मैच के अंदर विन कर जाएंगे, उसके बाद शायद से जिमी उसो जे उसो को सेव करने के लिए आ सकते हैं जब रोमर रेंज जे उसो के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक कर रहे हैं। तो हमें जिमी उसो का रिटर्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर, ये बात 100% कंफर्म है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट रेसलर हमारे द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन, जिनका रिटर्न देखने को मिल सकता है इस मैच के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन पहुंच चुके हैं डेट्रॉयट के अंदर, जहां एक्चुअल में समर स्लैम हो रहा है। तो भाई अगर रिपोर्ट सही है तो मे बी इस मैच के अंदर आपको रैंडी ऑर्टन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। और भाई अगर रैंडी ऑर्टन अगर इस मैच के अंदर आकर इन्वॉल्व होंगे तो भाई मजा नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। एंड फाइनल जिस रेसलर का रिटर्न देखने को मिल सकता है रोमन रेंज के मैच के अंदर वो हमारे हैं द ब्रामा बुल दीरो। आपको पहले बता दूं इनका रिटर्न का चांसेस बहुत कम है, पर भाई आप लोग रिटर्न का चांसेस इनका मान सकते हो। पर जो भी हो आप लोग ये चीज याद रखना, जे उसो चैंपियन नहीं बनने वाले समर स्लैम के अंदर, और सोलो सिकोवा की तरफ से हमें बहुत बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। सोलो सिकोवा उसोस के तरफ जाकर एक नया टीम बना सकते हैं या फिर उसोस के अगेंस्ट हो सकते हैं, पर भाई कुछ ना कुछ जरूर हमें सोलो सिकोवा की तरफ से देखने को बहुत बड़ा मिलने वाला है। वैसे भाई सोलो सिकोवा का किस्मत कितना खराब है, रेसलमेनिया के जस्ट एक दिन पहले कोडी रोड सोलो सिकोवा को हराए थे और भाई आज जस्ट समर स्लैम के एक दिन पहले जे उसो ने भी सोलो सिकोवा को हरा दिया। मतलब आप लोग समझ लो रोमन रेंज का जो भी अपोनेंट रहा था सबसे पहले सोलो सिकोवा को हराता, उसके बाद रोमन रेंज फिर उसको हराता। वैसे भाई जिन लोगों को समर स्लैम फ्री में देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है।